बिजनौर के अफजलगढ़ में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर पुलिस ने बैठक कर ग्रामीणों को साइबर क्राइम संबंधी दी जानकारी। पुलिस ने नवंबर के चौथे दिन को यातायात महानियमों का पालन करने को लेकर जागरूक दिवस के रूप में मनाया। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई राजमिस्त्री की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर अपने साथी के साथ मिलकर गला घोंटकर कर दी थी हत्या। सबको सूखी नहर में फेंककर हुए थे फरार। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। नूरपुर में सिहारा रोड स्थित आरआर पब्लिक स्कूल में विद्यालय के बच्चों के लिए मैजिक शो का किया गया आयोजन। कक्षा पीले से कक्षा 12 तक के करीब 854 छात्र छात्राओं ने मैजिक शो देखा और उसका आनंद लिया। थाना रेहड़ क्षेत्र के पीली डैम इलाके में खेत पर जा रहे किसानों का जंगली हाथी ने रोका रास्ता। जंगल के रास्ते में हाथी खड़ा देख किसानों के हाथ पांव फूले। बिजनौर के थाना शेरकोट के ग्राम उमरपुर आशा एवं ग्राम तिपर जोत के सैकड़ों ग्रामीणों ने सुगर मिल्क क्रय केंद्र को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि पहले द्वारके सुगर मिल अफजलगढ़ को जाता था हमारा गन्ना, मगर अब अधिकारियों की हठधर्मी से धामपुर सुगर मिल का सेंटर लगा रहे। मुरादाबाद में एक होंडा अमेज गाड़ी बिलारी रोड पर बिस्कुट फैक्ट्री के पास किसी वाहन में पीछे से जा घुसी। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही हुई मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए दो लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम। मुरादाबाद में पूर्व भाजपा सांसद सर्वेश सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकी। टिकट का ऐलान होने से पहले ही सर्वेश सिंह रविवार से शुरू करने जा रहे हैं अपना चुनावी अभियान। उन्होंने कहा, टिकट की टेंशन नहीं है, चुनाव तो लड़ना ही है, टिकट भी हो ही जाएगा। मुरादाबाद में बिलारी रोड कुंदरकी थाना क्षेत्र में गोलहड़ तिराए के पास देर शाम हुए एक्सीडेंट में एक युवक की हुई मौत, जबकि दूसरा एक साथी गंभीर रूप से घायल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने